हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, हम जा रहे हैं, घर से निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं आज बीसलपुर काम पे। और आज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोहरा चारों तरफ है और फिर भी गाड़ी चला रहे हैं इधर ड्राइवर। देखिए गाइस, हम तीन लोग जा रहे हैं आज बीसलपुर काम पे। आज मैं गाँव में काम नहीं करेंगे, आज बीसलपुर काम करेंगे। भाई भी हमारा काम चल रहा है आज, क्या नाम भावे हो रहा है, पुट्टी प्रिंट का काम और लोहे पे मतलब जो भी है जाल वगैरह उन पे आज हम प्रिंट डालेंगे, आपको दिखाएंगे जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको। आप और कोला इतनी बिकट है, जम्मू कश्मीर की तरह कोला आ गया भाई यहाँ पे। बीसलपुर अभी हम पहुँचने वाले हैं, ये चारों तरफ कोला ही कोला है नदी पे बिल्कुल। अभी हम पुल पे चल रहे हैं, नदी के पुल पे। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं बीसलपुर हम आ गए हैं। आज इस बिल्डिंग में काम होगा हमारा, इस मकान में। इस पे अभी ये इधर ये जाल वगैरह है, इस पे करेंगे प्राइमर इस जाल पे। एक मंजिल पे जाल ये खड़ा है, इधर सामने सीढ़ी लगा दी है, ये सीढ़ी से हम करेंगे और इधर दूर के इस पे करेंगे जाल पे ये प्राइमर। ये देखिए इंतजाम कर रहा है सीढ़ी लगाने का, कैसे रुकेगी कैसे नहीं रुकेगी। और जाल थोड़ा हाल भी रहा है, इस हिसाब से काम करना पड़ेगा इस पे खड़े होके। तो जैसा कि गाइस हम जा रहे हैं काम शुरू करने के लिए और जालों पे करेंगे प्राइमर। तो आप बने रहिए इसी तरह हमारे ब्लॉग में एंड तक, आपको दिखाएंगे काम और कैसे कर रहे कैसे नहीं कर रहे और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। तो चलते गाइस काम शुरू करते हैं अपना हम। तो जैसा कि गाइस प्राइमर जाल चालू कर दिया है इधर, देखिए जालों पे प्राइमर पड़ रहा है और हम ये सीढ़ी से काम कर रहे हैं इधर इस जाल पे। काफ़ी ऊंचाई है, दो मंजिल। एक जन इधर कर रहे हैं प्राइमर और हम इधर सीढ़ी पे कर रहे हैं। चल जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कर रहे हैं करके कपड़े से करो तो ज्यादा अच्छी होती है ड्राइवर। तो गाइस एक बच गया है और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, भूख भी लग रही है। तो हमने जाला भी किया था, प्राइमर डाला था जाल पे। तो गाइस आप देख सकते हैं इतना बड़ा मकान है ये। पूरे मकान में ये दो मंजिल है, तीन मंजिल बिल्डिंग है, इसमें हमारा काम चल रहा है बीसलपुर में। और ये देखिए काफ़ी अच्छी डिजाइने हैं पड़ी हुई छत में पीओपी की। इसमें सब में अभी पुट्टी होगी फिर से, और पुट्टी करी हुई भी है इस पर और पुट्टी करेंगे भी, चार फुट पुट्टी होगी इस पूरे मकान में। फिर इसके बाद प्राइमर डालेंगे। ये काफ़ी बड़ा मकान है आप देख सकते हैं गाइस। अभी हम दूसरी मंजिल पर खड़े हुए हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये इसी मकान में हमारा काम चलेगा कम से कम ना तो दो महीने तक इस मकान में काम करेंगे गाइस। तो इधर जीने से हम जा रहे हैं नीचे के लिए। तो काफ़ी बड़ा मकान है और ये इधर देखिए गाइस, ये जाल वगैरह ऊपर इस पे सब में प्राउन पड़ेगा अभी, इसके बाद इस पे भी दीवार पे पुट्टी होगी
और इधर काफ़ी दिनों का काम है। तो गाइस बन रही है आप सभी लोग, इधर देखिए गाइस ये डिज़ाइन वगैरह है पीओपी की, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। ये नीचे ये पहली मंजिल की छत है, तो इस पर ये डिज़ाइन पड़ी हुई है। ये डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है और इस पर भी सब काम होगा, मरम्मत जहाँ तहाँ पे वो भी करेंगे, और क्या नाम पुट्टी वगैरह करने के बाद फिर इस पर कलर वगैरह पड़ेगा। इसको हम बहुत ही खूबसूरत बना देंगे डिज़ाइन के लिए, देख सकते हैं आप गाइस काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है पड़ी हुई। इधर देखिए इधर सब खाना खाने लगे, इधर आ गए बाहर, ये सब जाल वगैरह है, इधर आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे ये सब पे पिरामिड वगैरह पड़ेगा जालों पे, काफ़ी बड़ा जाल है लगा हुआ दो मंजिल तक। काम तो काफ़ी दिन को है जामे, सब काम सीढ़ी से झूला से हो। सब हाथ वगैरह देखिए गाइस सब हाथ कैसे हो गए हैं, एक कपड़े से हमने सब पिरामिड किया है लोहे पे, इधर दिखा दे रहा हूँ हमारे इधर ऊपर एक ही साहब इतना काम वहाँ से लेके वहाँ तक सब काम किया है आज। तो अब हाथ पर धो के चलते हैं, शाम हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं गाइस इतना सारा काम किया है बहुत ज़्यादा। कैसे दे टमाटर लाए तो लाए थैला, तो गाइस हम बीसलपुर काम पे से चल चुके हैं और इस वक्त कस्बे में हैं, बाजार कर रहे हैं, सब्जी वगैरह ले रहे हैं। कौन मुझे रख ले टमाटर ऊपर रख ली ना फूल बढ़ जाए। गाइस घर पे सब्जी वगैरह लेके और इस वक्त हम कस्बे में बीसलपुर मार्केट में काफी बड़ी बाजार लगी है यार, सब्जी इस वक्त बहुत अच्छी लग रही है, हरी हरी सलगम फूल बंद गोभी आलू गाजर कुछ भी खरीद सकते हैं यहाँ पे मार्केट में। इधर देखिए इधर भी है सब्जी बिक रही है, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ से सब्जी वगैरह ले सकते हैं। इधर डेढ़ सौ रुपया तो ले ले और 50 तो गाड़ी में तेल पड़ेगा। हाँ तो ले तो ले तेल भरे 300 रुपया ले ले हमने। कितने दिनों में 3 दिन आइए ना मेरे घर देखा पूरे 300 पहुँची है। अच्छा चलते अगले बार अगले बार बैठ में मत ना तरीका घर तरीका पता लगा है गाड़ी चालू कर दे। तो भाई हम चलते हैं घर पे और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, ये मार्केट में है अंदर। ट्वेंटी बजे से आराम से तो आ गए हैं 12 पत्थर पे
अब मोबाइल रखते हैं जेब में क्योंकि इधर रोड ज़्यादा चल रहा है, पता नहीं मोबाइल वाले गिर जाए कहीं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं उस दुकान पे, प्रिंट वाली दुकान पे, जहाँ से हम लोग माल वगैरह उठाते हैं अपने प्रिंट करने के लिए, कुर्ती प्रिंट। तो ये हमारी दुकान, ये दुकान गंगवार प्रिंटर बीसलपुर। तो हम गाइस यहीं से सब कुछ माल वगैरह उठाते हैं और हम यहाँ पे आए हैं कूपन देने के लिए, जो मतलब कूपन निकलते हैं वाइट फोन करते हुए चलते हैं। पता नहीं दुकान पर कोई है कि नहीं। नमस्ते। तो गाइस हम यहीं से जो कुछ उठाते हैं माल वगैरह हम यहीं से लेते हैं, ये है दुकान। तो गाइस हम आए कूपन देने के लिए और कूपन के पैसे लेने के लिए, और हम पैसे लेके चलते हैं घर पे। अभी ये मार्केट में थे, आपको हमने दिखाया। तो गाइस ये दुकानदार, चलते हैं गाइस घर पे, मिलते हैं आप लोग सभी लोगों के लिए घर पे। चलते चलते सफर पे गाइस आ गए हैं द्वाजी पे। इधर ये देखिए काफी अच्छी लग रहा, काफी चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से दौड़ा गया द्वाजी को। तो जैसा कि गाइस हम आ गए हैं घर पे और शाम हो गई है, ज़्यादा काफ़ी अंधेरा हो गया इसलिए लाइट आके जीते में खड़े हैं। तो गाइस तो घर पे आ गए काम वगैरह करके। तो जैसा कि गाइस आज आपको बहुत कुछ दिखाया और बताया भी, आज हमने मतलब गांव में काम वगैरह नहीं किया और हमने बीसलपुर काम किया। तो गाइस तो आप लोगों से बस इतना ही कहना है हमारे लिए कि जहाँ तक हो सके तो गाइस आप सभी लोग हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। तो आज के ब्लॉग में जो कुछ आपको दिखाया बहुत कुछ, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं आप सभी लोगों के लिए एक और अगले नए ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए आप सभी लोग हमारे चैनल पर, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के लिए एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।